हमेशा से रहे हैं और होते ही हैं, इन लोगों को देख के हम भी एनर्जेटिक हो गए हैं। देखिए सब कुछ शिक्षक नहीं करता है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है कि आपके जीवन में आपको कैसे बढ़ना है, क्या करिएगा कि अच्छा मार्क्स लाइएगा, उसको ग्रेड कीजिएगा, आपका गोल क्या है, उसको अचीव कैसे करना है, ये टीचर बताते हैं। लेकिन सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि वो जिस रास्ते पे चलना सिखाते हैं उस रास्ते पे आप चल रहे हैं। टीचर आपको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो वो तो अपना जो सिलेबस है आपका कोर्स कंप्लीट करा देते हैं, घर जाकर के आप लोगों ने उस पर कितना मेहनत किया, यही आपको यहाँ पे जो टेस्ट हुआ है उसका परिणाम निकल के आया है। तो जो बच्चे प्रस्तुत हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद मैं देता हूँ, और उन बच्चों से मैं अपील करता हूँ जो अच्छे मार्क्स नहीं लाए हैं, आप ला सकते हैं, अभी आपके एग्जामिनेशन में अच्छा खासा समय है। और देखिए अच्छा करने का एक मूल मंत्र है जो मैं अपने विद्यार्थी जीवन में देखा हूँ। मान लीजिए आज आपके सर केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिथेन पढ़ाए, आपने पढ़ करके गया, बहुत बच्चे हैं जो यहाँ मार्क्स अच्छा प्राप्त करेंगे, वो आज के आज ही उसको जा करके फेयर भी करेंगे और याद भी कर लेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो नीट में आते हैं वो एक बार पलट के देखेंगे कि इस चैप्टर से नीट में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब तक आप इसमें आपके सर बोले कि 75% बच्चे चाहते हैं कि हम डॉक्टर बने, तो जैसे आपको मान लीजिए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाई गई, लाइट पढ़ाया गया, साउंड पढ़ाया गया, ठीक है, तो आप पढ़ करके गए तो नीट का 10 इयर्स का क्वेश्चंस देखिए कि जो चैप्टर हमको पढ़ाया गया है उस चैप्टर से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस ढंग से पूछे गए हैं और उसमें समस्या कहीं से आ रही है, तो आप आके सर से पूछिए, तब आप नीट क्वालिफाई कर पाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि कोटा जाकर के ही नीट क्वालिफाई किया जाए, अब बच्चे गांव से भी नीट क्वालिफाई करते हैं, मीरगंज जैसे शहरों से भी। एक बच्ची अभी मीरगंज शहर की थी, समथिंग केसरी, हम नाम नहीं ये कर रहे हैं, वो बच्ची कहीं नहीं गई और मीरगंज के ही पढ़ाई से उन्होंने नीट क्वालिफाई किया। तो आपके लगन होगा, जज्बा होगा, चाहत होगी कि हमको आगे बढ़ना है, तो आप जरूर बढ़िएगा। स्वामी विवेकानंद जी का प्रसिद्ध कोटेशन है, उठो जागो और जब तक नहीं थक, जब तक चलते रहो जब तक गोल को प्राप्त नहीं कर लो। हो सकता है हम सेम लाइन नहीं बोल पा रहे हो, तो आपको डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करनी है, बायोलॉजी की किताब है, सर अगर बोल रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए। जितना बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतना बार आपको नई नई चीजें मिलेंगी, क्योंकि हम लोग भी पदाधिकारी बनते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। और डॉक्टर के बाद अगर आप चाहेंगे कि आईएएस आईपीएस बनेंगे तो वही आपको एनसीईआरटी की किताबें हेल्प करेंगी। तो इसलिए पढ़ाई का मूल मंत्र जो यहाँ पढ़ाया जाए उसी दिन आपको वो चीज को याद कर लेनी है, अब उसमें 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, टाइम नहीं देखना होता है। और लोग जो कहते हैं 10 घंटा 12 घंटा, मैं घंटे के हिसाब से नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा
जो कोर्स है कितने घंटे पढ़ने में कंप्लीट हो जाएगा, आज जो सर हमको पढ़ाए हैं और वो घर जाकर के हमको अगर किन्हीं का हैंडराइटिंग अच्छा है तो फेयर करना नहीं है, जिनका नहीं है उनको जरूर फेयर करना चाहिए कि अपनी लिखी हुई चीजें अपने नहीं पढ़ी जाती है। तो एक बार याद करके लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको याद होगा। तो मैं सभी बच्चों से यही अपील करूंगा कि जो कोचिंग में पढ़ाया जाए उसको घर पे जाके उसी दिन याद कर लीजिए। और आप देखिए सर जो यहाँ टेस्ट लेंगे तो 85/85 जो बच्ची प्राप्त की है पूछिए वो यही करती होगी क्या जी? करती हो ना, रोज का रोज याद करती हो ना? बिल्कुल, यही मूल मंत्र है जीवन में सफल होने का एक स्टूडेंट के रूप में। उन्हीं बच्चों को कम मार्क्स आया होगा जो ले जाके कॉपी घर पे फेंक के क्रिकेट खेलने चले गए होंगे, मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे होंगे, ठीक है ना? तो हम नहीं कहते हैं कि मोबाइल नहीं यूज कीजिए, लेकिन जरूरत के हिसाब से। पढ़ाई के समय तो बिल्कुल ही दूर फेंक दीजिए, क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यूटी का चीज है। एक दिन 10 घंटा पढ़नी है और 5 दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़े तो आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर हम 5 घंटा रोज पढ़ रहे हैं और 30 डेज पढ़ रहे हैं, अगर स्वस्थ हैं तो, बीमार में तो खैर कोई नहीं पढ़ पाएगा, तो वो ज्यादा आपको होता है। कंटिन्यूटी देखी जाती है कि रोज जो बच्चा, ये जो बच्ची 85/85 लाई है, पूछो जरा इससे, जो इसका रूटीन होगा ये रोज पढ़ती होगी। ये नहीं कि एक दिन आज तोड़ फोड़ मचा देंगे, आज तो हम एकदम इधर से उधर कर देंगे और 12 घंटा एकदम रात भर जग के उस दिन पढ़ लिए और 5 दिन सो गए, तो वो उसका रिजल्ट जीरो, वो फिर बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरी कई बातों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। करने के लिए बहुत सारा चीज है, जहां आपका दिल करे वही काम कीजिएगा, उसी को अपना प्रोफेशन चुनिएगा। डॉक्टर मन है डॉक्टर, इंजीनियरिंग का मन है इंजीनियरिंग, ऑफिसर्स का मन है ऑफिसर्स, जो आपको फैशन डिजाइनिंग में जाइए, MBA कीजिए, किसी का कोई मतलब आप पे आरोपित नहीं करे कि तुमको ये बनना है। आपको क्या अच्छा लग रहा है, अभी तक आप लोग इमैच्योर एज में हैं, जैसे ग्रेजुएशन पार्ट 1 में जाएंगे तो आपको माना जाता है कि आप अपना जीवन में क्या करेंगे तो आप मैच्योर हो गए। तो इसलिए रोज जो सर लोग पढ़ा रहे हैं वो रोज जाकर के याद करो, और जो प्रॉब्लम होता है नीट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, वो देखो कि उस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सर से पूछो, सर बताएंगे, यहीं बैठे नीट हो जाएगा। और कोटा में भी जाने वाले सबों की नीट नहीं होती है, ठीक है ना? वहां भी जो बच्चे मेहनत करते हैं उन्हीं का निकलता है। तो इसलिए आप लोग का भविष्य उज्ज्वल हो और आप लोग अच्छे मार्ग पे जाएं, और हमारे मीरगंज का, गोपालगंज का, बिहार का और भारत का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई, धन्यवाद।